एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जिंक डेफिशिएंसी पर। तो फ्रेंड्स, ये जिंक क्या चीज है? जिंक एक एसेंशियल मिनरल है जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जिंक जो है वो काफी खाने की चीजों में पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है, लेकिन कुछ खाने की चीजों में बाहर से उसको डाला भी जाता है, फोर्टिफाइड जिसे हम कहते हैं, या फिर आप इसे सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट मिनरल क्यों है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जिंक हमारी बॉडी में जितना भी सेल फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है, और उन सारे सेल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करे। साथ ही फ्रेंड्स, ये हमारी इम्यून सिस्टम को भी प्रॉपर अच्छे से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। और जितना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम होगा, उतनी ही अच्छी और स्ट्रांग आपकी इम्यूनिटी होगी, और आप जो है वो बार बार बीमार होने से बचे रहेंगे, बीमारियों के अटैक होने से आप बचे रहेंगे, और आप जो है जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि हमें मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन हमारी ओवरऑल बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम प्रोटीन्स को जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, यानी कि ये हमें, जिस तरह से हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसी तरह से जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जितना भी ये जो हम जिंक की बात करें, ये जिंक जो है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने में, उसकी जो कहते हैं मेटाबोलाइज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीमेल्स होती हैं, उनको जो है अगर जिंक की कमी होती है, तो उस वक्त जो है उनके जो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। अगर जिंक की डेफिशिएंसी मदर में है, तो बच्चा जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा, प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, उसके जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और साथ ही फ्रेंड्स देखिए, जिन लोगों को जिंक की कमी होती है, उन लोगों में सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल, जो हमारी सूंघने की शक्ति होती है, या हम चीजों को अलग अलग टेस्ट कर पाते हैं, वो जो है वो बहुत कम हो जाती है, कुछ लोगों में खत्म हो जाती है। तो हमारे सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट के लिए भी जिंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, हमारी प्रॉपर डाइजेशन के लिए भी जिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिन लोगों का जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं होता, उन लोगों में जिंक की कमी हो जाती है। जैसे जिन लोगों को बार बार डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, या जिनको लूज स्टूल्स होते हैं, दस्त लगे रहते हैं, बार बार दस्त से वो शिकायत उनको रहती है, तो उन लोगों में जो है वो जिंक की कमी रहती है। और अगर जिंक की कमी है, तो आप जितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लें, जितना भी अच्छा आप खाना खा लें, आपका जो खाना जो है प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स की जो है वो कमी हो जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, जिंक की कमी होने से जो है भूख नहीं लगने की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा जो है भूख नहीं लगती है, बार बार उनकी यही शिकायत रहती है कि उनकी भूख ठीक नहीं है, उनको भूख अच्छे से नहीं लग रही, खाना नहीं खाने का मन करता, उन लोगों में भी जो है वो जिंक की कमी होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जिंक की कमी की वजह से ये रहता है। देखिए फ्रेंड्स, हम मेंटली बहुत अच्छे से काम करते हैं, हम मेंटली जो है शार्प रहते हैं, थिंकिंग प्रोसेस हमारी अच्छी रहती है, लेकिन जिंक की कमी अगर आपको हो जाए, तो आप मेंटली भी जो है वो लिथार्जिक रहेंगे, सुस्त रहेंगे, आपका ध्यान नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं रहेगी आपकी। और साथ ही अगर हम हीलिंग की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर आपको चोट लगती है, और अगर आपको जो नॉर्मल बाकी लोगों से ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा वक्त लग रहा है उस चोट को ठीक होने में, तो हो सकता है आपको जिंक की कमी हो। फ्रेंड्स, अगर हम स्किन की बात करें, तो जिंक की कमी से जो है हमारी स्किन जो है वो रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और अगर हम हेयर ग्रोथ की बात करें, तो हमारी जो है बाल बहुत ज्यादा तेजी से गिरने लगते हैं, आपकी जड़ों जड़ों से बाल निकलकर आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको जिंक की कमी है, तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, ड्राई, क्रैक रहेगी, हमेशा इची और रफ रहेगी। और साथ ही जो है बालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बाल बहुत तेजी से जड़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल वीक हो जाएंगे आपके बाल। और आपको आप बहुत सारे शैम्पूज, बहुत सारी चीजें ट्राई करेंगे, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो कमी है वो है जिंक की प्रॉब्लम है। और अगर जिंक की प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत ही तेजी से, आप कहेंगे कि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो गई है, या कुछ और है, या आपको कोई शैम्पू सूट नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या होगी, वो आपकी जिंक की कमी होगी। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें, तो जितनी भी हमारी ग्रोइंग एज है, चाहे वो चाइल्डहुड है, चाहे वो एडोलेसेंस है, उस एज में जिंक की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि आपके जिंक जो है, जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे 11 से लेकर 25 साल के आसपास तक लोग जो है हार्मोनल चेंजेस काफी ज्यादा होते हैं, उस एज में जिंक की काफी जो है मात्रा हमारी बॉडी में यूज होती है। तो जो ग्रोइंग एज है, ज्यादातर जो लोग हैं, मतलब 21 साल तक जो बढ़ते हैं, उस एज में अगर आपको जिंक की कमी होती है, तो ग्रोथ जो है वो रिटार्डर रह सकती है। ग्रोथ जो है वो आपकी, आप जो है वो प्रॉपर आपकी हाइट और ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं होगी।
साथ ही फ्रेंड्स जिंक जो है हमारी आईज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी आईज में बहुत ही अधिक मात्रा में जिंक पाया जाता है। जिंक जो है हमारी आंखों की रोशनी में रोशनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा रेटिना होता है उसकी हेल्थ उसको हेल्दी रखने के लिए भी जिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही फ्रेंड्स जिंक एक तरह से जो है वो कैरियर का काम भी करता है। जैसे हम जानते हैं कि विटामिन ए हमारे जो आईज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिंक क्या करता है विटामिन ए को कैरी करने का काम करता है, विटामिन ए को अपनी जगह पहुंचाने का काम करता है। इस तरह से वो दो तरह का पर्पस सॉल्व करता है, एक तो वो हेल्थ वैसे ही मेंटेन करता है हमारी आईज की, और साथ ही साथ वो विटामिन ए को भी अपने साथ जो है वो कैरी करता है ताकि आपकी आंखें जो है वो अच्छी रहे, आपका जो आई हेल्थ जो अच्छी रहे, आपकी विजन जो है वो इंप्रूव रहे। साथ ही फ्रेंड्स जिन लोगों को एक्ने की दिक्कत रहती है, पिंपल्स की दिक्कत रहती है बहुत ज्यादा ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उन लोगों के लिए भी जिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक्ने को हील करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये विटामिन ए आपकी एक्ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन ए है वो आपकी एक्ने को हील करता है, आपकी एक्ने को इम्प्रूव करता है, आपके हार्मोनल जो प्रॉब्लम की वजह से जो एक्ने होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है विटामिन ए का। तो इसलिए जिंक और विटामिन ए दोनों इंपॉर्टेंट है, और जिंक जो है विटामिन ए को आपकी एक्ने तक आपके सेल्स तक पहुंचाने में हेल्पफुल रहता है। और साथ ही फ्रेंड्स अगर जिंक की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, बेचैनी और डिप्रेशन की शिकायत भी रहती है। तो इसलिए जिंक की कमी जो है हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल्स प्ले करता है। तो फ्रेंड्स अगर हम डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो कहां कहां से हमें ये जिंक मिलता है, तो जिंक देखिए नॉन वेजिटेरियन की अगर हम बात करें तो जितना भी सी फूड है, ऑयस्टर्स हो गए, शेल फिश हो गए, इन सब में आपको मिलता है। चिकन और रेड मीट में अच्छी मात्रा में जो है वो जिंक पाया जाता है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए जिंक जो है कुछ नट्स में, जैसे बादाम हो गया, सनफ्लावर सीड्स यानी कि ये सूरजमुखी के फूल हो गए, कद्दू के बीज हो गए, इनमें पाया जाता है, और साथ ही काजू में भी ये पाया जाता है। और फ्रेंड्स दालों की अगर हम बात करें तो काबुली चना हो गए, राजमा हो गए, किडनी बीन्स या हरे मटर हो गए, इनमें पाया जाता है, और साथ ही साथ मशरूम में भी ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है सब्जियों में अगर हम बात करें। और साथ ही फ्रेंड्स दूध और दूध से बनी हुई चीजें जैसे दूध, दही, पनीर, इन सब में भी जिंक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और ओट मील जिसे हम ओट्स या जई कहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेरियंस हैं अगर आप तो इन सारी चीजों को जरूर इंक्लूड करें। साथ ही फ्रेंड्स आप जो जिंक है, अगर आपको काफी ज्यादा डिफिशियंसी है, अगर आपको कमी है जिंक की, तो आप ये सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं। और अगर सप्लीमेंट्स की हम बात करें तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है जिन कंडीशन की वजह से जो है आप बहुत ज्यादा डिप्लीशन आपके शरीर में डिप्लीट हो सकती है, जिंक कमी हो सकती है, तो वो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? देखिए अगर आपकी डाइट बहुत पुअर है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, ठीक से आप जो है वो खाना ठीक से नहीं खाते, आपको भूख ठीक से नहीं लगती, तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसकी वजह से आपको जिंक की बहुत कमी हो सकती है और आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा है पुअर डाइजेशन। अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर आपको बार बार जो है वो बार बार लूज स्टूल्स होते हैं और आपका जो पाचन तंत्र जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, डाइजेशन प्रॉब्लम है आपको, तो आपको जिंक की काफी कमी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल वेजिटेरियन हैं, आप बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते या आप एनिमल प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूम नहीं करते, तो भी आपको जिंक की कमी हो जाती है। प्रेगनेंसी में जिंक की ज्यादा जरूरत होती है। और साथ ही जो लोग अल्कोहलिक है, बहुत ज्यादा काफी टाइम से क्रॉनिक जो है वो शराब पी रहे हैं या अल्कोहलिक्स हैं, उन लोगों में भी जिंक की कमी हो जाती है। और साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत ही जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, उन लोगों में भी जिंक की कमी पाई गई है। और सारे फ्रेंड्स अगर आपके कोई ऐसे जो वुंड्स हैं, ऐसे अल्सर्स हैं जो बिल्कुल हील नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि आपको जिंक की कमी हो। तो इन सारी चीजों में जो है आपको अगर ये कंडीशंस हैं तो आपको जिंक की कमी हो सकती है और आपको जिंक सप्लीमेंट लेने की यहाँ जरूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स अगर जिंक की डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, अगर आप 1 से लेकर 19 साल तक हैं तो 4 से लेकर 5 मिलीग्राम पर डे की आपको जरूरत होती है। अगर आप 19 से अबव हैं तो आपको 8 से लेकर 10 मिलीग्राम पर डे की जरूरत है। इतना आपको जिंक जो है वो हर दिन लेना ही लेना है। देखिए फ्रेंड्स जिंक हमारी बॉडी में कोई इसका पर्टिकुलर स्टोर नहीं है जहां से कि हमारी बॉडी अगर जरूरत पड़े तो ले सके, इसलिए ये डेली रिक्वायरमेंट आपको जो है वो पूरी करनी होती है जिंक की। तो जिंक सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जिंक सप्लीमेंट्स 3 तरह से आता है, जिंक ग्लूकोनेट, एसीटेट और सल्फेट। ये तीनों तरह के जिंक सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में मिलते हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये बेटर है या वो बेटर है, आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं। अगर आप जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप क्या चीज का ध्यान रखें, देखिए अगर आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आप ना लें। दूसरी बात, आपने जिंक के साथ कुछ चीजें जो है वो नहीं लेनी है। अगर आप जिंक सप्लीमेंट जिस वक्त खा रहे हैं उस वक्त आपने जैसे
चाय नहीं लेना है, क्योंकि चाय में जो है फाइटेट्स होते हैं वो आपके जिंक की एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो आप चाय नहीं लेंगे जिंक के साथ, और जिंक के साथ चाय भी नहीं पियेंगे, या जिंक खाने के 1-2 घंटे तक आप चाय भी नहीं लेंगे। साथ ही साथ अगर फ्रेंड्स अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके साथ भी आप जिंक नहीं लेंगे। अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो 2-3 घंटा रुक के आप जो है वो जिंक सप्लीमेंट लें। और साथ ही साथ अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं जिंक के साथ, तो जिंक के साथ उसे ना लें, ये भी आप एक गैप में लें। अगर आप आयरन सुबह लेते हैं तो शाम को लेते हैं, इस तरह से आप चेंज करके ले सकते हैं जिंक, या फिर 2-3 घंटे का जो है वो फासला जरूर रखें। तो क्या सही टाइम है जिंक सप्लीमेंट्स खाने का? देखिए फ्रेंड्स, जिंक हमेशा जो है एम्प्टी स्टमक, खाली पेट जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो आप जो है इसे खाली पेट ले सकते हैं, और अगर आप इसे दिन के वक्त ले रहे हैं या शाम के वक्त ले रहे हैं, तो खाना खाने के कम से कम 3-4 घंटे बाद आप इसे लें, तब आपको इसका ज्यादा जो है अच्छा इफेक्ट होगा और अच्छे से ये एब्जॉर्ब होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जो है वो डाइट अच्छा रखें, और अपनी जिंक की जो है कमी है उसे डाइट से पूरा करें। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कमी आपको महसूस हो रही है, और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए वो अगर आपको हैं, तो आप कोशिश करें कि आप जिंक सप्लीमेंट लें और अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ पे सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आगे से और भी ऐसी वीडियोज देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। और मैं आपको मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।